दोस्तों स्टॉक फॉर द मंडे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के लिए हम लोग कौन से स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीकली व्यू के लिए मैंने ऑलरेडी एक सैटरडे को वीडियो बनाया है, यहाँ पे आपको आई बटन में आ जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के लिए। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मंडे को हम लोग कौन से इंट्राडे के स्टॉक जो है उसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, डेली व्यू वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोज है, वो देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों चार्ट के ऊपर जाके हम लोग देखेंगे कि मंडे में हम लोग कौन से स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर कि इंट्राडे के लेवल्स कल के लिए, मंडे के लिए। तो ऑलवेज मैं शुरुआत करता हूँ रिलायंस से, तो रिलायंस जो है कि एक मेजर स्टॉक है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। रिलायंस के बहुत सारे लेवल मैंने दिए थे, बहुत ही अच्छे गए थे। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि रिलायंस जो है कि एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ था। यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है 2263, तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे देखिए कि रिलायंस ने बहुत बार 2263 पे बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, और नीचे वाला जो ये लेवल है 2212, ये भी इंपॉर्टेंस है। तो ये पूरे रेंज में यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको ट्रेड शायद मंडे को इमिडिएटली नहीं मिलेगा, लेकिन लेवल आप यहाँ पे याद रखो, अगर 2263 के ऊपर अगर ये जाता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। सेलिंग के लिए यहाँ पे 2212 और 2200 यानी 2200, तो ये इम्पोर्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होता है तो 2174 तक आ सकता है, तो यहाँ से नीचे 2200 के नीचे जाता है, यहाँ पे आप एक सेल के लिए देख सकते हो। 2200 के नीचे 2174 जो है ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस लेवल है, तो ये लेवल ये होल्ड करता है कि नहीं देखना चाहिए, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मीडियम टर्म में नेगेटिव जा सकता है अगर ये लेवल और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लेवल देखना है। नेक्स्ट हम स्टॉक देखेंगे इंट्राडे के लिए, वो है इंडस बैंक। तो मैं यहाँ पे इंडस बैंक क्यों रिकमेंड करता हूँ वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो इंडस बैंक को बहुत दिन यहाँ पे रेसिस्टेंस था, तो जो भी ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम निकाला नहीं, लेकिन मैंने वॉल्यूम चेक किया है, तो यहाँ पे देखो 2-3 दिन यहाँ पे उसने रनिंग किया था, तो सेम कंडीशन अभी भी इसमें आया है। तो यार इसने जो कि नियर हाई बनाया था उसको ब्रेक किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे बहुत अच्छे इसमें मोमेंटम आया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने हाई बनाया था, तो उसके हाई के ऊपर भी उसका एक नेक रेसिस्टेंस जो है वहां तक ये आ सकता है। तो 597 के ऊपर अगर मंडे को जाता है तो ये 618 तक ये आ सकता है, पहला टारगेट होगा। 639 यहाँ पे दूसरा टारगेट होगा, और ऊपर जो है कि 639 ये लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये लेवल भी ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट हो सकता है। दोस्तों जितने भी मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ जो कि बाइंग के लिए है, तो एक मेक श्योर करना कि या तो इसके लेवल ब्रेक होना चाहिए, प्लस अगर उसके साथ मार्केट पॉजिटिव है यानी निफ्टी अगर पॉजिटिव है लगभग 50 पॉइंट से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि इसने भी बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 3468, तो यहाँ पे इसको 3468 जो लेवल है अगर ये ब्रेक करता है तभी इसमें बाइंग कीजिए, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देखने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले जो सैटरडे को है हमारा एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का फ्री वेबिनार आ रहा है, जिनको भी अटेंड करना है मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप करने के बाद मैं आपको रजिस्टर करवा दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी भेजता हूँ। और मंडे को हमारा एक फ्यूचर ऑप्शन का जो है कि एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हम लोग स्टॉक देखेंगे ऐसे ऐसे बैंक। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बैंक भी देखिए कि प्राइवेट बैंकिंग थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, और इसने अभी अच्छा एक नजदीक वाला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट किया है। ऐसे ऐसे बैंक में नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा 374-77, लेकिन अगर आपको जो है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई भी 371 के ऊपर भी अगर ये मोमेंटम करता है तो आपको एक ट्रेंड मिलेगा, वो रहेगा 374, और 374 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे लेवल देख लो, जब लेवल आता है तभी आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट जो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी यहाँ से अच्छा मूवमेंट कर रहा है, उसका एक लेवल ऊपर है जो है कि 830, 830 अगर ब्रेक करता है वहाँ पे आप बाय कीजिए, वहाँ पे प्राइजेशन हो सकता है।
मंडे नहीं करे तो ट्यूसडे को भी अगर ये लेवल ब्रेक करता है तभी ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रासिम। तो यहाँ पे ग्रासिम भी मैंने सिलेक्ट क्यों किया, ये भी आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है ग्रासिम का, लेकिन ये लेवल के आसपास देखिए कि उसने जो एक हैमर कैंडल बनाया एक पॉजिटिव कैंडल के बाद, तो ये थोड़ा पॉजिटिव होता है। 755 के ऊपर अगर ये जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। 766 का ये यहाँ पे लेवल आ सकता है, 766 के ऊपर ये बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मंडे इंट्राडे अगर ये लेवल आते हैं तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, प्रोवाइडेड मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा तो आपको बाइंग के जो कॉल है उसमें आपको हेल्प हो सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। आने वाले सैटरडे को अगर आपको फ्री वेबिनार अटेंड करना है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए। और आपको FNO में भी ट्रेनिंग लेना है, इन डेप्थ फ्यूचर और ऑप्शन सीखना है तो हमारा मंडे को जो FNO का कोर्स शुरू हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।